दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपको तीन इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ और इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अगर आप सही तरीके से सक्सेस होना चाहते हैं, अगर आप दूसरों की जैसे नाम कमाना चाहते हैं, तो तीन इम्पॉर्टेंट बातों का ध्यान रखिएगा। पहली बात कि सिर्फ 18 घंटे नहीं, पहली बात सिर्फ 10 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा, 15 घंटे काम करने से कुछ नहीं होगा, 24 के 24 घंटे काम में होना चाहिए। आपको नहाते समय, आपको खाना खाते समय, आपको किसी से बात करते समय, आपको सोते समय सिर्फ अपने काम के बारे में सोचना चाहिए। दोस्तों आप जिस भी काम को शुरू करते हैं, ये मान के चलिए आप ट्रेनिंग पीरियड में हैं और आप नंबर वन बनना चाहते हैं, नंबर वन या परफेक्ट बनना चाहते हैं। परफेक्ट तो कोई नहीं बनता दोस्तों इस दुनिया में, पर परफेक्शन जरूर ला सकते हैं। परफेक्शन लाने के लिए आपको उस चीज़ों के बारे में हमेशा वही दिमाग में एक कंसेप्ट बना के रखना है कि 24 घंटे मुझे अपने काम के बारे में बातें करनी है। अगर आप हार्डवेयर का काम करते हैं या सॉफ्टवेयर का काम करें तो आप अपने ड्राइवर्स, अपने टूल्स, अलग अलग टूलों के ऑप्शंस को हमेशा दिमाग में आप याद करते रहिए। अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप पास में कुछ अपने समरी बना लीजिए, कुछ यूट्यूब चैनल पे आप वॉच कीजिए या फिर आप गूगल पे जाइए, या तो आप अपने लैपटॉप को लेकर आप नई नई चीज़ों को नए नए प्रयोग करते रहिए। अगर आप हार्डवेयर का काम कर रहे हैं तो आप ये मानिए कि आप ICA निकालने लगाने या ट्रेसिंग में आप ध्यान दीजिए, आप नॉर्मल कंपोनेंट को चेक करने में और बहुत सारी चीज़ें हार्डवेयर में, तो आप नए नए एरर्स पे ध्यान दीजिए, क्या क्या आ सकता है फॉल्ट और क्या क्या मैं सीख सकता हूँ। 24 घंटे हमेशा एक ही बात पे ध्यान रखिए तो ही आप नंबर वन बन सकते हैं। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं सिर्फ 5 घंटे काम करके दिन में या 10 घंटे काम करके दुनियादारी करूँ और उसके बाद नंबर वन बन जाऊँ, तो लाइफ में कभी नंबर वन नहीं बन पाओगे। तो दोस्तों दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है मैं बताना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर हम कभी कभी कोई चीज़ करते करते बोर हो जाते हैं और फिर वो करने की इच्छा नहीं होती है, तो हम कैसे उस चीज़ को 24 घंटे करें। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, अगर आप हार्डवेयर कर रहे हैं, मान लीजिए सपोज़ आप IC का काम कर रहे हैं और आप बोर हो चुके हैं, आपको लग रहा है कि मैं IC 10 बार लगा लिया निकाल लिया तब भी वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ट्रेसिंग पर चले जाइए। आप ट्रेसिंग पे ना जाके आप नॉर्मल कंपोनेंट पे चले जाइए, आप बोर्ड टू बोर्ड सर्च कीजिए, आप ICO के नाम देखिए या जो भी आप कर सकते हैं, या आप सॉफ्टवेयर में चले जाइए, आप सॉफ्टवेयर का काम कीजिए, मतलब काम को इंटरचेंज कीजिए पर काम मत बदलिए। अगर आपको लगता है कि आप आराम कर लें या आप छुट्टी मनाने चले जाए या यहाँ चले जाए वहाँ चले जाए, तो इससे आप नंबर वन कभी नहीं बन पाएंगे दोस्तों। हाँ, कभी कभी हमारा शरीर किसी चीज़ को बार बार नहीं ले पाता है, ये आदत में बना लेता है, पर हमारा शरीर बाद में इसको आदत बना लेता है। शुरू में जब हम ये करते हैं ना तो वो चीज़ हमें बोर लगने लगती है। आपसे फॉर एग्जांपल कहना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए मैं जंपर लगा रहा हूँ, नहीं लग रहे हैं 1 घंटा 2 घंटा, या वो जो मैं माइक्रो जंपरिंग कर रहा हूँ नहीं हो पा रहा है IC के अंदर से, तो मैं क्या करूँगा, मैं बोर हो गया, मैं यार 1 घंटा कर लिया बहुत हो गया, सो मैं अगले घंटे कुछ सॉफ्टवेयर का काम कर लूँगा या अगले घंटे कुछ IC निकालने का काम या कुछ भी एक्स्ट्रा वर्क मैं करता रहूँगा, पर अपनी फील्ड में ही रहूंगा। तीसरा इंपॉर्टेंट काम ये ध्यान रखिए कि नेगेटिविटी आती है और वो आएगी ही। आप कितना भी अकेले बंद कमरे में भी बैठ जाएंगे ना दुनिया से दूर, तो भी आप नेगेटिव होंगे। दोस्तों बहुत सारे लोग होते हैं कि सर हम बहुत मेहनत करते हैं, हम दिन रात एक कर देते हैं, हमने बहुत जो आप कहते हो हम वो सब काम करते हैं, फिर भी हमें सफलता नहीं मिल पाती है। तो दोस्तों सफलता कोई स्टेज नहीं है कि आपने 4 स्टेज पास कर लिया तो फाइनल स्टेज में आपको जैसे सर्टिफिकेट मिलता है तो सफलता भी मिल जाएगी। सफलता डिपेंड करता है आपकी ऑल ओवर एवरेज, आपकी मेहनत पर, आपकी अंदर की सच्चाई ईमानदारी पर कि आप कितना करते हैं। और कभी कभी हमें अपने आप को ठहराव पेशेंट रखना पड़ता है। दोस्तों ये मान के चलिए जितना आप हारेंगे, जितना आप असफल होंगे, मैं बोलता हूँ आपको 6 महीने लग गए ये काम करने में और आप हर दिन हर रात काम कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है, सो इस काम में नेगेटिव होकर आप ये काम छोड़ देंगे या ये सोचेंगे कि मैं गलत तरीके से कर रहा हूँ या मुझे दूसरे तरीके से करना चाहिए और दूसरे तरीके से फिर आप नए तरीके से चालू करेंगे, तो दोस्तों ये गलत है। आपको ये सोच के रखने चाहिए कि अगर मैंने 6 महीने दिए हैं तो मैं ज़िंदगी के अपने बाकी के जो 60-70-80 साल है मैं इन 6 महीनों को वेस्ट नहीं होने दूंगा। और इन्हीं 6 महीनों में मतलब थोड़ा पॉजिटिव रख के हमें काम करना, अगर पॉजिटिवनेस हमें पास नहीं होगी मन में तो आप कभी भी किसी काम को नहीं कर पाएंगे। मसलन के तौर पर अगर आप एक दुकान नहीं खोले हैं और आपको लग रहा है कि 4 दिन से कोई भी ग्राहक नहीं आ रहा है,
आपको लग रहा है कि दो मोबाइल बस आए बनने के लिए, आपको लग रहा है या तो कुछ भी बिक नहीं रहा है मेरा, सो आपको लग रहा है और आपको लगा कि यार एक महीना हो गया, इवन मैंने अपना किराया भी अपनी जेब से भरा है, तो ये मान के चलिए कि आप एक स्टेप तो आगे बढ़े हैं। आपने करीबन जो सोचा था कि एक आपके पास दुकान होगी और इतना सब कुछ होगा, जो आप देखिए दुनिया में 80% लोगों के पास नहीं है, आपके पास वो है। आप जब पेड़ लगाते हैं और जब पानी देते हैं तो अगले दिन ही वो फल तो दे नहीं देता ना, थोड़ा सा टाइम उसको भी बड़ा होने में लगता है। तो पेशेंट रखिए, लोग आपको जानेंगे, आपकी दुकान को जानेंगे, आपके काम को जानेंगे। कोई दिन ऐसा होगा कि एक आदमी आपसे इतना खुश होगा आपके काम से कि वो 4 ग्राहक ले आएगा और वो 4 ग्राहक बाकी के 2 ग्राहक ला सकते हैं। कभी ऐसा होगा कि कोई आदमी आपकी दुकान के सामने से निकल रहा होगा और वो आपका पोस्टर देखेगा, उस समय उसको कुछ नहीं बनवाना होगा, पर 3 महीने या 4 महीने के बाद जब उसका मोबाइल ख़राब होगा तो सबसे पहले दिमाग में ध्यान आपकी दुकान का होगा और तब वो आपकी दुकान पर आएगा, तब वो एक ग्राहक भी काउंट हो जाएगा। तो आप ये मान के चलिए, अगर आप मायूस हो जाएंगे कुछ ही समय के अंदर, अगर आपको लगेगा आपको कुछ ही समय के अंदर आउटपुट चाहिए होगा, तो ये काम कोई भी दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं होता दोस्तों। कुछ ही समय वाला आउटपुट, वो मटके वाला, वो जुआ सट्टा वाला होता है दोस्तों, कि आपने पैसे डाले और बस आउटपुट मिला, जीत या हार। और आपको पता है कि इसमें सिर्फ हार होती है, जीत नहीं होती है, ये सिर्फ इल्यूजन्स होते हैं जीत के। ये आपको 4 बार जिताकर 5वीं बार आपसे सब कुछ हरा देंगे। खैर, ये वीडियो केवल इसी के लिए था कि मैं आपसे चाहता हूँ, ये वीडियो केवल इसलिए था कि मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ को सही राह पर ले जाएं। मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ में 3 चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस दें। पहला कि हमें 5 घंटे काम नहीं करना है, 24 घंटे काम करना है। हर वक्त हर घड़ी हमें अपने दिमाग में अपने काम के अलावा कुछ नहीं सोचना है। दूसरा कि अगर हमें किसी काम से बोर हो जाते हैं तो हमें वही काम दूसरे ढंग से करना है। और तीसरा, नेगेटिविटी हो तो होने दीजिए, ये सोचिए कि बुरा वक्त चल रहा है, अपने आप टल जाएगा, 4 दिन बाद 5 दिन बाद अपने आप समय जब बदलेगा तो वही चीज़ आपको और खुशी देके जाएगी। तो किसी भी काम को कर रहे ना, सो उसको पूरा दे दो दोस्तों। किसी भी काम को कर रहे ना, अगर किसी भी काम में आप जुट गए हो ना, तो कब तक करो, जब तक कि वो काम करना लो। आपको पता है कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट अपनी जिंदगी केवल इसी खोज में निकाल देते हैं कि कभी उनको मंगल में पानी मिल सकता है, कहीं उनको चांद में कोई जीवन मिल सकता है, कभी किसी कोई नया ग्रह मिल सकता है, और आधे जीवन में वो उनकी यही सोच होती है कि ऐसा कहीं नहीं होगा, ऐसा वो कभी नहीं होगा, फिर भी वो खोज करते रहते हैं। आपने कहीं देखा है कि किसी साइंटिस्ट ने अपना काम धंधा छोड़ के कोई दूसरे काम चालू कर दिया? नहीं, क्योंकि उनको विश्वास होता है कि जिस दिन मैं सफल हुआ ना, उस दिन इतिहास बदल दूंगा। वैसे ही आपको करना है दोस्तों, सफल होना है और अपना अपने परिवार का इतिहास बदलना है। आशा करता हूँ कि आप सफल हों। मेरा और ऐसे टेलीकॉम की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए, दूसरों पर इल्जाम मत डालिए कि दूसरों ने आपके साथ क्या किया। दूसरों, सब दुनिया बुरी है, पर ध्यान रखिएगा, अपने आप को आकलन कीजिए, आपने अपने साथ क्या किया, आपने अपने अंदर खुद झांकी कि कितनी मेहनत आपने की है और कितनी मेहनत दूसरों ने आपके लिए की है। दूसरों पे उंगली उठाना बहुत आसान होता है दोस्तों, पर खुद को आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या किया, ये बहुत मेन बात है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच।